ठीक है। लाइव दिखा रहा है ये, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर सकते हैं अभी, सब लोग हैं क्या लाइव इस पे? ओके। इस समय लगभग कितने लोग हैं और कौन लोग हैं इस समय? चलिए ठीक, तो मैं शुरू कर रहा हूं। और इसका टाइमिंग आपने कितना रखा है, कितने देर तक का है ये? ठीक, ओके ओके। तो मैं थोड़ा सा पॉलिसी पे भी बोलूंगा, क्योंकि अभी पॉलिसी अनाउंस हुई है, और थोड़ा जनरल कोविड पे बोलूंगा, ठीक है? ओके ओके ओके। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का और शिक्षा विभाग का, उत्तर प्रदेश का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सब लोगों के मध्य आकर मैं आपसे चर्चा कर सकूं। 2 वर्ष पूर्व जब मैं शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत था भारत सरकार में, तो मुझे मौका मिला कि मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को देखूं। उससे पूर्व भी मैं जब उत्तर प्रदेश में कार्यरत था, तो शिक्षा विभाग में तो मेरा सौभाग्य नहीं था, लेकिन अन्य विभागों में रहते हुए मैंने विभिन्न क्षेत्रों को देखा। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा के संबंध में पूर्व कुछ वर्षों में सुधार हुए हैं, बाकी सराहनीय है। लेकिन आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा वो 2 मुद्दों पर है। एक तो अभी कुछ दिन पूर्व जो शिक्षा नीति घोषित की गई है भारत सरकार द्वारा, उसका प्रभाव क्या संभव पड़ सकता है और उत्तर प्रदेश कैसे उस शिक्षा नीति का उपयोग कर सकता है वो, और दूसरा जो वर्तमान में हमारी समस्याएं आ रही हैं कोविड के संदर्भ में, उनसे कैसे हम ग्रैपल कर सकते हैं, उनका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षा नीति के बारे में, इस नीति के बनने में लगभग 6 वर्ष लगे। बीच में 2 वर्ष के लिए मैं भी शिक्षा सचिव था, तब जो अध्यक्ष थे उस समिति के जो नीति का रिकमेंडेशन दे रहे थे, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मेरा व्यक्तिगत मत तो नीति के बारे में यह था कि इस देश में कई नीतियां हैं, लेकिन समस्या नीति की उतनी नहीं है जितनी क्रियान्वयन की, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। जो सामान्य नागरिक है वो इस बात के लिए ज्यादा चिंतित है कि नीति का क्रियान्वयन कैसे हो, और उस क्रियान्वयन में आप लोगों की अहम भूमिका होगी। नीति सफल होती है या असफल होती है, इसका दारोमदार आप पर होगा, और ये कैसे होगा इसकी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। मेरे विचार से इस नीति में जो बिंदु दर्शाए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत दूरगामी है, और अगर इनका सही प्रकार से क्रियान्वयन किया गया तो ये एक व्यापक परिवर्तन ला सकेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो शुरू में तो नहीं है नीति के, लेकिन मेरे विचार से जो है वो इस नीति में जो शिक्षकों पे बल दिया गया है, मेरा व्यक्तिगत मानना भी यही है कि शिक्षक, और जिसमें आप काफी लोग सम्मिलित हैं, पूरी शिक्षा की धुरी है। So, यदि अगर शिक्षकों के संदर्भ में चर्चा नहीं हुई और शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो ये नीति सफल नहीं हो पाएगी। तो मुझे इस बात का हर्ष है कि इस नीति में उस पर काफी बल दिया गया है कि शिक्षकों को कैसे हैंडल किया जाए। आरंभ के तौर पर जब मैंने शिक्षा सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, उससे पूर्व मैं कोयला सचिव था। कोयला सचिव के रूप में मैंने कई माफियाओं का निदान किया, समाधान किया उस समस्या का। जब शिक्षा में मैं आया तो किसी ने मुझसे कुछ दिन बाद पूछा कि आपको शिक्षा में कैसा लग रहा है, तो मेरा उत्तर दिया जो मैंने उस समय तक अनुभव किया था कि कोयले में तो माइनिंग नीचे होती, खनन नीचे होता था और माफिया ऊपर थे, शिक्षा में सब माफिया अंडरग्राउंड है, और वो देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पे बहुत अधिक कुप्रभाव डाल रहे हैं वो माफिया। और उस 2 साल के कार्यकाल में मैंने प्रयास भी किया कि कैसे उन माफियों से निपटा जाए। वो जो माफिया थे वो संबंधित ज्यादातर शिक्षकों से संबंधित थे काफी हद तक। तो सबसे बड़ा माफिया जो मैंने पाया वो पाया डीएलएड और बीएड कॉलेजेस का। इस देश में लगभग 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेजेस हैं, जिसमें से मुझे जानकारी मिली लगभग 4,000 सिर्फ कागजों पर, वो किसी शिक्षक को डिग्री भी दे सकते हैं, और उस डिग्री का क्या महत्व होगा ये सब जानते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसके समाधान में एक हमारे साथी अधिकारी थे,
उनको रिजाइन भी करना पड़ा जब उन्होंने प्रयास किया कि इन माफिया को कुछ किया जाए। दूसरा जो माफिया था वो था शिक्षकों की नियुक्ति का। आप सब अवगत हैं कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री जेल में है इस समय, जो एक रैकेट रिक्रूटमेंट का था। तो अच्छी बात यह है इस नीति में कि शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी कि पूर्व सेवा प्रशिक्षण तथा शिक्षकों की भर्ती में जो व्यवस्था इस नीति में की गई है उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। मुझे आशा है कि 4 वर्ष की जो ये इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की बात कही जा रही है, इसके फलस्वरूप ये जितने फर्जी बीएड कॉलेजेस हैं वो बंद हो सकेंगे और इसका लाभ देश की शिक्षा को होगा। इसी प्रकार इस नीति में वो भी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से शिक्षकों का चयन हो। जो वर्तमान चयन व्यवस्था है उसमें कई गैप्स हैं, कई समस्याएं हैं और मुझे आशा है कि जो नई व्यवस्था बनाई जाएगी उससे लाभ होगा। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षकों से संबंधित है, जो आप लोगों को भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है, कि सेवा में, शासकीय सेवा में आने के उपरांत आप अपनी कैपेसिटीज, केपेबिलिटीज को कैसे सुधारें, इंप्रूव करें, क्योंकि व्यवस्था और एनवायरनमेंट लगातार परिवर्तित हो रहा है शिक्षा का। तो ये आवश्यक है कि शिक्षक भी अपने आप को अपग्रेड करे। इस संदर्भ में पूर्व में भी काफी काम हुआ है और प्रसन्नता का विषय यह है कि उन बिंदुओं को इस नीति में सम्मिलित किया गया है। और वो है, आप लोग अवगत होंगे और नहीं होंगे तो मुझे आशा है कि आपको बताया जाएगा इसके बारे में, कि एक पोर्टल है केंद्र सरकार का जिसका नाम है दीक्षा। उस पोर्टल के माध्यम से यदि आप किसी भी स्कूली विषय के संबंध में अपने आप को अपग्रेड करना चाहें या उसके संबंध में कोई वीडियो देखना चाहें या उसके संबंध में जानकारी करना चाहें, ये समस्त उसमें विवरण उपलब्ध है। और यदि आप जाएंगे उसे देखेंगे तो आप उससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपने यदि अब तक दीक्षा पोर्टल का अध्ययन या अवलोकन ना किया हो तो उस पर अवश्य जाएं और देखें, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि उस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आपको बहुत अधिक लाभ हो सकता है। आप अवश्य इसका प्रयास करें और प्रयास करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि शिक्षा नीति में शिक्षकों पर विशेष बल दिया गया है और इस बात को रिकग्नाइज किया गया है कि शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये तो एक बहुत, मेरे विचार से सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा नीति का। आरंभ में तो नहीं उसको दिया हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण सबसे अधिक वो है मेरे विचार से। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षा नीति का वो है कि बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को कक्षा एक से ना पढ़ाकर उससे पूर्व भी उसको शिक्षा प्रदत्त की जाए। विभिन्न रिसर्च ने ये स्थापित किया है कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो पहले 6-7 साल में लगभग 80% विकसित हो जाता है और जो उस समय जो वो सीखता है वो उसको मूल रूप से प्रभावित करता है उसके व्यक्तित्व। तो ये उचित पाया गया कि बच्चों की शिक्षा एक कक्षा एक से पूर्व भी की जाए, जिसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की संज्ञा दी गई है। मेरे विचार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके माध्यम से बच्चे का जो मानसिक जो डेवलपमेंट है उसमें अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन इसको क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं आना स्वाभाविक है। कोई भी नई चीज होगी उसमें समस्या आएगी। इसमें विशेष रूप से इसलिए आएगी कि इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक विशेष स्तर की क्वालिटीज चाहिए। हर व्यक्ति उस उम्र के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता या जो सामान्य शिक्षक है वो भी उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। तो ये विचार करना होगा कि इस प्रकार की शिक्षा उन शिक्षकों को कैसे प्रदत्त की जाए जिससे वो इन बच्चों को पढ़ा सकें। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसपे मुझे आशा है राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही विचार करेंगी और एक स्पष्ट रणनीति बनाएंगी इसको क्रियान्वयन करने के लिए। दूसरा जो इससे संबंधित प्रकरण है कि अभी तक ऐसा होता था कि जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है, महिला और शिशु कल्याण विभाग है और जो शिक्षा विभाग है वो अलग अलग अपना काम कर रहे थे। महिला और शिशु कल्याण विभाग जो था वो प्रमुख रूप से आंगनवाड़ी और इनको देखता था और शिक्षा विभाग अपना कक्षा एक से प्राइमरी स्कूल को देखता था। अब शिक्षा नीति ये कहती है कि इन दोनों के मध्य एक सामंजस्य बैठाला जाए। ये पूर्व में कार्रवाई जब मैं सचिव था तो आरंभ किया था हमने और ये आदेश निर्गत हुए थे मेरे हस्ताक्षर से और सचिव
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग के सचिव के माध्यम से एक ये संयुक्त पत्र जारी हुआ था कि जहां भी संभव हो आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया जाए। और मैं समझता हूं यूपी में भी काफी मात्रा में आंगनवाड़ी केंद्र शिफ्ट हुए हैं प्राइमरी स्कूल में। इससे ये जो ट्रांजिशन है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का और प्राइमरी स्कूल में संभव हो सकेगा, आसान हो सकेगा। लेकिन इसमें और कार्य करने की आवश्यकता है और ये आशा की जा सकती है कि ये दोनों विभाग साथ बैठकर कार्य करेंगे। चूंकि अब ये 3 वर्ष का अतिरिक्त अध्ययन सम्मिलित कर दिया गया है शिक्षा नीति में, तो कुल मिला के अब 15 वर्ष का कार्यक्रम होगा बच्चे के लिए, 3 वर्ष कक्षा 1 से पहले, उसके बाद 5, उसके बाद फिर वो कक्षा 1 से कक्षा 12, यानी कुल मिलाकर 15 वर्ष का कार्यक्रम इस नीति में बनाया गया है। और ये आशा की जा सकती है कि इससे बच्चे को उसकी मानसिक डेवलपमेंट में काफी लाभ मिलेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस शिक्षा नीति का, वो ये है कि पूर्व में एक हायरार्की थी, यानी कि सबसे अच्छा माना जाता था जो साइंस साइड के सब्जेक्ट्स लेते थे, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स और उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग। अब इस हायरार्की को खत्म किया गया है, इस नीति में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि बच्चा चाहे जो भी सब्जेक्ट ले उनको बराबरी स्वरूप दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। सीबीएसई ने तो अपने कार्यक्रम में ये सम्मिलित कर लिया था कि वोकेशनल ट्रेनिंग को उसी लेवल पर ले आए थे जो कि अन्य सब्जेक्ट्स का था। अब प्रसन्नता यह है कि इस नीति में उसको एक स्टैंप लगाई गई है, उसको ये कहा गया है कि ये एक नीति रूप में सबको बताया जाए। तो ये तीसरा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इससे जो बच्चे को जो पसंद आएगा या बच्चे के लिए जो उचित होगा वो एक स्ट्रीम पकड़ेगा और उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि अगर वो नहीं समझ में आती उस चीज तो वो परिवर्तित कर सकेगा, दूसरे सब्जेक्ट ले सकेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बड़ा पहलू है इसका, शिक्षा नीति का। जो पांचवा बिंदु है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी रिसर्च के माध्यम से स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में कॉन्सेप्ट्स को और उसकी जो समझ है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो उचित होती है, ज्यादा उचित होती है अन्य भाषा में पढ़ने में, क्योंकि उसको बोध होता है उन चीजों को। जिस सामाजिक व्यवस्था में वो पलता है, बड़ा होता है, जिस भाषा को वो अपने घर में बोलता है, ये बड़ा स्वाभाविक है कि उस भाषा में उस बात को जो उसको बताई जाएगी उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये पॉलिसी में ये सुझाव दिया गया है कि प्रथम से 5वीं कक्षा तक बच्चे को उस भाषा में पढ़ाया जाए जो कि उसकी मातृभाषा है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो अन्य भाषाएं नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा होगी, लेकिन वो अन्य भाषाओं को पढ़ने के लिए भी इस पॉलिसी में प्रेरित करने की बात की गई है। तो जिससे आगे अगर वो अन्य भाषा में कोई चीज पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकेगा। इस पे कई लोगों ने संशय जाहिर किया है, उन्होंने कहा है कि आगे उसको, क्योंकि सब चीजें अंग्रेजी में स्पेशली साइंस में पढ़नी होगी, इसलिए अगर शुरू से नहीं पढ़ेगा तो उचित नहीं होगा। ये कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि मातृभाषा में सीखने का मतलब ये नहीं है कि वो अन्य भाषाओं को ना सीखे, वो अन्य भाषाओं को सीख कर भी कर सकता है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप जिन क्षेत्रों में जाएंगे वहां इस बात पे आलोचना होगी कि जहां एक और जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल हैं वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने की वजह से ज्यादा बच्चों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये वास्तविकता ये है कि दिल्ली का जो सबसे अच्छा स्कूल है सरदार पटेल विद्यालय, वहां पर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक मातृभाषा यानी कि हिंदी भाषा में अध्ययन करते हैं और बड़े अच्छे बच्चे निकलते हैं। आप लोग ये भी अवगत होंगे कि जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, जो बड़े अच्छे विद्यालय हैं जहां से बड़े अच्छे बच्चे निकलते हैं, वहां पर भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चे को मातृभाषा में सिखाया जाता है। उसके बाद वो अन्य भाषाओं समझते हैं, अन्य भाषाओं में पढ़ते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि अगर बच्चे को आरंभ में उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो आगे चल के उसको विशेष समस्या या कठिनाई आएगी। इसके विपरीत आर्गुमेंट बड़ा स्पष्ट है कि मातृभाषा में यदि बच्चा कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ेगा, तो
तो उसको वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा, जो कि अगर वो अन्य किसी भाषा में करता है तो उसको चूंकि भाषा का उतना बोध नहीं होता तो वो उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है नीति का, जिसमें असेसमेंट की, एग्जामिनेशन की बात कही गई है। नीति ये कहती है कि बच्चे का एग्जामिनेशन कक्षा 3, 5, 8, 10 और 12 यानी कि हर स्तर पर होगा और ये एग्जाम बोर्ड लेगा। इसकी व्यवहारिकता पर निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छी बात इसमें आई है वो ये आई है कि एक नेशनल लेवल पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर एजुकेशन की स्थापना की बात कही गई है। क्योंकि अब बल इस बात पर होगा इस नीति के माध्यम से कि उसकी कॉम्पिटेंसीज असेस की जाए, रोट लर्निंग नहीं, यानी कि एग्जाम के लिए उसने कुछ प्रश्न याद किए और प्रश्न आ गए तो उत्तर देकर चला आया, तो उससे बच्चे को या स्टूडेंट को लाभ नहीं होता। यदि उसकी समझ सही है, यदि उसमें वो कॉम्पिटेंसीज हैं, तो सवाल जो स्पष्ट रूप से याद करने वाला है वो अगर नहीं भी जवाब देगा तो उसको इतना कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि एक नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर एजुकेशन स्थापित किया जाएगा। अभी तक ये काम एनसीईआरटी करती थी, एनसीईआरटी द्वारा कराया जाता और वो काम अच्छा करते थे, लेकिन ये सही पाया गया कि एक विशेष एजेंसी बनाई जाए जिससे बच्चे का असेसमेंट हो। अब असेसमेंट और एग्जामिनेशन में हमें थोड़ा अंतर समझना पड़ेगा। असेसमेंट होगा उसकी कॉम्पिटेंसीज का, एग्जामिनेशन में तो एक पर्चा आता है, उस 3 घंटे में वो जवाब देता है और उसको अंक मिल जाते हैं। असेसमेंट का तरीका दूसरा होता है। आप लोगों ने अगर पूर्व के जो आप लोग हैं, अगर किसी ने भाग लिया हो नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, जो एनसीईआरटी, वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। उसमें हम असेस करते हैं कि जो बच्चे की समझ में क्या समस्याएं आ रही हैं, बच्चे को पढ़ाने में क्या समस्या आ रही है, जो प्रक्रिया यानी कि पेडागोजी जो अडॉप्ट की गई उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं। इससे एक व्यवस्था में सुधार का एक प्रयास होता है। एक इंडिविजुअल बच्चे को इवैल्यूएट नहीं किया जाता, यानी कि उसका एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक असेसमेंट है व्यवस्था का कि कौन सी ऐसी व्यवस्था में समस्याएं हैं जिनको सुधार किया जा सके, वो एक असेसमेंट के माध्यम से होगा। पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु इस नीति में है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन में एंट्रेंस टेस्ट कराना। ये महत्वपूर्ण इस वजह से है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब विभिन्न राज्य के बोर्ड्स और सीबीएसई आईसीएसई सब बढ़ा चढ़ा के नंबर देते हैं, जितना उससे मिला हो उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे किसी एक स्टूडेंट को अंग्रेजी जैसे विषय में 100% नंबर मिल जाए या हिंदी लिटरेचर में 100% नंबर मिल जाए। इसका मतलब वो उसमें परिपक्व, परफेक्ट परफेक्ट हो गया। और मैं नहीं समझता भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे परफेक्ट कहा जा सके लिटरेचर में। मुझे अपना याद है कि जब हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट थे, यूपी बोर्ड से ही मैंने किया था, जब मेरे हाई स्कूल में 80% से अधिक मार्क आ गए तो कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके उससे ज्यादा नंबर थे, यानी कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल 81-82% रहा होगा। अब जिसका बच्चे का 95% से नीचे आ जाता है तो परेशान हो जाता है वो। तो इसका व्यवस्था का परिवर्तन का एक प्रयास इस नीति के माध्यम से किया गया है जो अत्यंत ही सराहनीय है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि नीति में बहुत अच्छे विचार रखे गए हैं, और उन विचारों में एक और विचार जो रखा गया है कि अभी तक जो शिक्षा विभाग होता था किसी प्रदेश में वो दो काम करता था। एक तो गवर्नमेंट स्कूल भी चलाता था और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्कूल के रजिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल का काम भी करता था, यानी कि एक प्रमोशनल काम भी करता था और रेगुलेटरी का भी काम करता था। इस नीति में व्यवस्था की गई है कि, और कारण उसका यह है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दृष्टिगत रखते हुए इस नीति में व्यवस्था की गई है कि इस रोल को स्प्लिट किया जाएगा, यानी कि जो विभाग है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल को चलाने का काम करेगा और एक अन्य व्यवस्था बनाई जाएगी जो रेगुलेशन का काम करेगा, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स का रेगुलेशन, कि उनको एसेस करना, स्कूल को एसेस करना, उनको रेट करना, उनको रजिस्टर करना, ये काम रेगुलेटर का काम, ये उससे अलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस नीति में नई प्रकार की कई व्यवस्थाएं की गई हैं और ये आशा की जा सकती है कि
कि अगर इस नीति का क्रियान्वयन भली भांति हुआ तो निश्चित रूप से देश की शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा को, बच्चों को लाभ मिलेगा, ये आशा की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने आरंभ में कहा था, ये बहुत इस बात पे निर्भर करता है कि जो नीति आई है इसके क्रियान्वयन के लिए क्या कार्य योजना बनाई जाए। मुझे स्मरण है कि जब डॉक्टर कस्तूरी रंगन मुझसे मिले थे, जब मैं शिक्षा सचिव था भारत सरकार का, तो मैंने उनसे मजाक में कहा था, मैंने कहा था कि इस देश को, जैसा शुरू में मैंने बताया आपको, कि नीति की उतनी आवश्यकता नहीं है, एक कार्य योजना की जरूरत है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया जा सके क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, कब तक करना है, और उसको मॉनिटर किया जाए। क्योंकि अगर ये व्यवस्था बनाई जाती है और सब लोग इसको करते हैं तो इसमें लोगों को लाभ होगा। मैंने अभी शीघ्र ही एक पुस्तक लिखी है, एथिकल डिलेमाज ऑफ ए सिविल सर्वेंट। उसमें कुछ चैप्टर्स में मैंने इसका विवरण दिया है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि पॉलिसी में कुछ एस्पेक्ट जो मैंने वहां मेंशन किए हैं उनको सम्मिलित किया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ जो बात टीचर से संबंधित, शिक्षक के संबंध में मैंने जो अपनी पुस्तक में लिखी है उसको, उसका काफी हद तक समावेश इस नीति में भी किया गया है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर शिक्षकों से संबंधित बिंदुओं पर विचार करते हुए उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगे शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस नीति में अंत में ये बताना चाहूंगा, शिक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि शिक्षक को हम वो रिकग्निशन दें जो उसको दिया जाना चाहिए समाज में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में आदमी शिक्षक तब बनता है जब वो सोचता है यहां नहीं मिल रही नौकरी, यहां नहीं मिल रही, और अंततः शिक्षक बन जाता है। अब इस नीति के माध्यम से प्रयास होगा, क्योंकि नीति में शिक्षकों की अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप की बात कही गई है, अच्छे लोगों को उसमें लाने की बात कही गई है। अच्छे लोग अगर आएंगे, शिक्षक बनेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षक की प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ेगा। उनको सही तरीके से उनका प्रशिक्षण होगा, सही तरीके से उनका चयन होगा, और सेवा में आने के बाद अगर वो अपने आप को ट्रेंड रखेंगे, अपडेटेड रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो जो उनको रिकग्निशन समाज में मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा। तो ये तो हुआ संक्षिप्त में शिक्षा के बारे में। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि कोविड से कैसे इस देश में, अन्य प्रदेशों में कोविड समस्या से कैसे निबट रहे हैं लोग, स्कूल्स, बच्चे कैसे निबट रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी उसी प्रकार से उन समस्याओं से जूझ रहे होंगे और प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि आप तक पहुंचा सकूं जो मेरी चर्चा हुई है अन्य स्कूलों से, अन्य शिक्षकों से, अन्य अभिभावकों से, कि कैसे किस प्रकार की समस्या आ रही है और किस प्रकार से उस समस्या का वो समाधान ढूंढ रहा है। इसके दो विशेष भाग हैं। एक वो भाग है, क्योंकि ये बिल्कुल अनप्रिसिडेंटेड है, ऐसा कोविड जैसी समस्या पूर्व में कभी आई नहीं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ऐसी योजना क्यों नहीं बनी, क्योंकि योजना तो उसकी बनती है जो जिसका कुछ पता हो, इसका तो कुछ पता ही नहीं था। तो इसमें इस पे चर्चा होती हुई या इसके समाधान हेतु बच्चों को दो भाग में विभक्त करता हूं। ऐसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, और उन तक पहुंचा जा सकता है इन माध्यमों, इस इन इन चीजों के माध्यम से। दूसरे वो बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उन तक कैसा पहुंचा जाए। प्रमुख समस्या पढ़ाई से जाते इस बात की है कि उस बच्चे को हम एंगेज्ड कैसे रखें, क्योंकि आप लोग भी समस्या से जूझ रहे होंगे। बड़े लोगों के लिए भी एक चार दीवारी में बैठकर इतने महीनों तक बैठा, कहीं बाहर ना निकलना, एक दुविधा का विषय है। बच्चे के लिए तो और मुसीबत है। तो बच्चे से चर्चा करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। पढ़ाना तो उसकी बात है, लेकिन उनको एंगेज करना, उनसे चर्चा करना, क्योंकि ये केवल एक शिक्षा का इशू नहीं है कोविड, ये साइकोलॉजी का इशू भी है। यानी कि उसकी मानसिकता बच्चे की, जो जिसके जिसका सामान्य रूप से जो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन चूंकि वो बंधा हुआ है इन चार दीवारी में, कैसे हम उसको मानसिक तौर से उससे बाहर निकालें और उसको एंगेज करें। तो जहां तक स्मार्टफोन और इंटरनेट की है उपलब्ध है, वहां शायद उतनी गंभीर नहीं है समस्या। समस्या वहां भी है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से मेरा मानना है कि शिक्षकों का स्थान टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक आसान कर सकते हैं, एक एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस दिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है,
टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन को भी सुधारा जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया बड़े अच्छे थे, लेकिन एक दो टीचर ऐसे थे जिनके साथ उनके क्लास में घंटा भर निकालना तकलीफ दे हो जाता था, क्योंकि शायद वो एजुकेशन को इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते। अब हर टीचर के लिए आसान है कि वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो पढ़ा रहा है उसको आसान और अच्छा कर दे, जो जो जिसको समझने में भी आसानी हो। जब मैं कक्षा 8 में था तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने का प्रयास कर रहा था, वो बड़ी दुविधा हुई मुझे उसे समझने में। समझ में आया अंततः, लेकिन बड़ा समय लगा उसे समझने में। जब मैं शिक्षा सचिव था तो एक महानुभव ने आकर मुझे एक वीडियो दिखाया, वो वीडियो 2 मिनट का था। 2 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। ये है टेक्नोलॉजी की पावर। लेकिन मैं पुनः कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी टीचर के स्थान नहीं ले सकता, टेक्नोलॉजी टीचर को लाभ दे सकता है, सहायता दे सकता है, इनेबल कर सकता है, फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जहां इंटरनेट है, जहां स्मार्टफोन है, वहां तो मुझे ऑलरेडी जानकारी है कि स्कूल्स बच्चों का क्लास लेते हैं, निर्धारित समय पर बच्चे अपनी यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाते हैं, उनकी असेंबली होती है, उसके बाद उनके क्लासेस होते हैं। अब ये सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है पढ़ाने का, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें ये कार्य हो सकता है और कई स्कूल इसको कर रहे हैं जहां वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं। इसमें कई समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि आसान है, समस्या है, लेकिन अगर कोई, चूंकि कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए ये विकल्प उचित पाया जा रहा है जिससे बच्चों तक पहुंचा जा सके, उनसे चर्चा की जा सके और थोड़ा बहुत सिखाया जा सके और उनको होमवर्क दिया जा सके और अगले दिन उनसे पूछा जा सके कि उन्होंने क्या किया। ये कार्य टीचर्स अपने घर में बैठ के कर सकते हैं और बच्चे अपने घर में बैठकर समझ सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ऐसी व्यवस्था आई है, बड़े अच्छे वीडियो बनने शुरू हो गए, पहले भी बनते थे, अब भी बन रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं, जिससे जा सके जो ये। इसी तरह असेसमेंट हेतु भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बन रहे हैं जिनको इंटरनेट के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है और बच्चे को एसेस भी किया जा सकता है। तो जहां तक उन बच्चों का सवाल है जिनके पास इंटरनेट है, जिनके पास स्मार्टफोन है, उनकी इतनी समस्या नहीं है जितनी उनके साथ है जिनके पास इंटरनेट नहीं है और स्मार्टफोन नहीं है। उन तक कैसे पहुंचा जाए बच्चों, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहां पर इंटरनेट है ही नहीं। अब इंटरनेट नहीं है तो कैसे पहुंचे। कुछ दिन पूर्व, चूंकि मैं एक संस्था का भी अध्यक्ष हूं नेक्सस ऑफ गुड करके, एक हमने एक सेमिनार, एक वेबिनार किया था जिसमें हमने उन बिंदुओं पर चर्चा की थी, उन एग्जाम्पल्स पर चर्चा की थी उन बच्चों के लिए जिनके पास इंटरनेट और टेलीफोन नहीं है, और बड़े अच्छे सुझाव सामने आए। तो सर्वप्रथम जो सुझाव सामने आया जो कि उपयोग हो रहा है बड़ी मात्रा में, वो है रेडियो का। रेडियो की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, जहां इंटरनेट नहीं है, जहां टीवी नहीं है, वहां रेडियो की पहुंच है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रेडियो में यह है कि एक वन वे कम्युनिकेशन है, यानी कि जो व्यक्ति बात कर रहा है सिर्फ वही बोल सकता है, वो सुन नहीं सकता कि दूसरा क्या कह रहा है। तो उसको उसी प्रकार से अपना प्रस्तुतिकरण करना होगा, प्रभावी बना के करना होगा, जिससे बच्चों तक वो अपनी बात पहुंचा सके और अपनी बात बता सके, जिससे बच्चों को वो उन बिंदुओं पर समझ हो सके। जैसा मैंने पहले कहा, इसमें सीमाएं हैं। तो रेडियो रेडियो एक जरिया है, दूसरा जरिया टेलीविजन का है। टेलीविजन का भी पेनिट्रेशन इंटरनेट से कहीं ज्यादा है, लेकिन टेलीविजन का पेनिट्रेशन उतना नहीं है जितना रेडियो का है। लेकिन फिर भी स्पेशली दूरगामी क्षेत्रों में जहां फिजिकली जाना कठिन हो, वहां रेडियो और टेलीविजन पहुंच सकते हैं और उसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। लाखों की मात्रा में बच्चों की पढ़ाई रेडियो और टीवी के माध्यम से हो रही है। जब ये चर्चा चल रही थी तो कुछ लोगों ने इनोवेटिव बातें भी बताई, जैसे जैसे कोई एक गांव है जिसमें सब लोग आसपास रहते हैं, वहां एक टीचर ने लाउड स्पीकर के माध्यम से वो बच्चों तक पहुंचते थे। वो एक समय उन्होंने निर्धारित किया था, उतने बजे से वो 1 घंटे 1.5 घंटे तक लाउड स्पीकर पर अपनी बात कहते थे और समय समय पर वो बच्चों के घर जाकर उनको उनके वर्कशीट में काम देते थे, और अगली बार जब जाते थे तो वर्कशीट ले लेते थे और अगली वर्कशीट उनको देते थे। अब ये सब निर्भर करता है जो स्थानीय स्तर पर शिक्षक है वो अपनी को कैसे उपयोग करे, अपनी काम को कैसे दिखाए, अपनी बात को कैसे पहुंचाए, उसका नया नया जरिया ढूंढना पड़ेगा। मुझे आशा है कि शीघ्र ही
स्कूल खुलेंगे जब ये कोविड समाप्त होगा, तो उस पे भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर स्कूल खुलेंगे तो व्यवस्था किस प्रकार से की जाए जिससे जो भी थोड़ी संभावना है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने की वो ना हो। इस पे चर्चा में कई लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स प्रस्तुत किए हैं। पहला ये कि सब बच्चों को इकट्ठा हर दिन ना बुला के आधे आधे बच्चों को ऑल्टरनेट डे बुलाएं जिससे उनको दूर दूर बैठाया जा सके, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि सब बच्चों को हर दिन ना बुला के उनको क्लासेस इंटरनेट के माध्यम से अन्य माध्यम से दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्कूल में बुलाया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो ये चीजें हैं सब सही हैं पूरी, लेकिन इस पे चर्चा हो रही है और चर्चा होना आवश्यक है जिससे इसका समाधान हो सके। कोविड एक अनप्रिसिडेंटेड समस्या हमारे सामने आई है। थोड़ा अच्छी बात यह थी कि आरंभिक समय में चूंकि समर वेकेशन चल रहा था, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में पड़ेगा। अब ये कितने दिन चलेगा इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि मान लीजिए अगर 2-3 महीने और भी पढ़ाई नहीं होती तो ऐसा नहीं कि जीवन का अंत आ गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है। एक ये अनयूजुअल सिचुएशन है, इसका हमें अनयूजुअल जवाब सोचना पड़ेगा। मुझसे कहा गया था लगभग आधा घंटे के लिए अपनी बात प्रस्तुत करने को, वो आधा घंटा लगभग समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। मैं चाहूंगा अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उनको आप पूछेंगे तो मुझे उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि आप सब लोगों से मैं चर्चा कर सकूं। धन्यवाद। हाँ द्विवेदी जी, मेरा व्याख्यान तो समाप्त हो गया, कुछ प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दूंगा। कैसे, उसका क्या प्रक्रिया है आपकी? मैं अच्छा, ओके ओके सर, बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल भेजिए, मैं भी देखता हूँ, अगर मुझे कुछ दिख जाते हैं मैं जवाब दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं देखता हूँ। जी मैं बताता हूँ तब तक आप प्रश्न देखिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने अपनी चर्चा में बताया, मैंने अभी कुछ दिन पूर्व एक पुस्तक लिखी है, एथिकल डिलेमास ऑफ ए सिविल सर्वेंट। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि क्या एक सरकारी सेवक, जो आप सब भी सरकारी सेवक हैं या बनेंगे, अपने जीवन को या अपनी कार्य प्रणाली को इस प्रकार से कर सकता है कि वो एक एथिकल जीवन बिता सके, बना सके, और दूसरों को प्रेरित कर सके कि वो भी एथिकल तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। इस पुस्तक में मैंने विशेष रूप से ये बात कही है कि हम और आप भी शासकीय सेवक हैं, जो काम करने की हमारा जो माहौल है वो आसान नहीं है, एक कठिन माहौल है। जो मेरे पुस्तक का आरंभ है वो एक शेर से है, एक दो पंक्तियां उसमें कही गई हैं, मुख्तसर सी जिंदगी के अजब से अफसाने हैं, या तीर भी चलाने हैं परिंदे भी बचाने हैं। यानी कि जो जो आपके पास चॉइसेस आएंगी काम करने की, आपके पास भी चॉइसेस आएंगी, आप पे भी दबाव आएंगे, कई प्रकार के दबाव आएंगे, तो क्या उन दबावों में हम किस प्रकार से कार्य करें। जो नीति है वो भी एक वैल्यू सिस्टम की, वैल्यूज की बात करती है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि वैल्यूज को सिखाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता, उनको सिर्फ प्रदर्शित किया जा सकता है। जब आप उनको अपने एक्शन के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क में आएगा
वो महसूस करेगा कि ये हो सकता है। समस्या ये आती है कि कई बार हम व्याख्यान तो देते हैं, सिद्धांतों की व्याख्यान देते हैं, नैतिक वैल्यूज की बात करते हैं, लेकिन शायद उनका हम अनुसरण स्वयं नहीं करते। और इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि आप अपनी बात स्वयं करें, स्वयं जो बात कर रहे हैं उसी तरीके की आपकी जो कार्य पद्धति हो या आपका कार्य करने का तरीका हो, जो आप दूसरों से संवाद कर रहे हैं, इन सब पे निर्भर करता है कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि शिक्षक के रूप में आपको बच्चा बड़े ध्यान से देख रहा है। आप अपनी जब आप स्वयं एक स्टूडेंट थे तो स्मरण कीजिए कि आप टीचर को किस प्रकार से देखते थे। जो पढ़ा रहा है केवल वो नहीं सीखते थे आप, क्या वो कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें उसको प्रभावित करती थी। तो जो आपका जीवन यापन है, जिस प्रकार से आप रहते हैं, वो प्रभावित करता है बच्चों को। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपना जीवन यापन कैसे करें, आप अपना संवाद कैसे करें, आप अपना व्यवहार कैसे रखें, ये सब चीजें बच्चा देखता है। और मेरे विचार से ज्यादा प्रभाव उसका पड़ता है बनस्पत इसके जो आप उससे बता रहे हैं। और इसको करने के लिए अक्सर ये बात आती है और आपको भी आती होगी, मेरे जीवन में 38 साल का जो मेरे सिविल सेवा का जीवन था उसमें मैंने भी पाया कि हम अक्सर ये देखते हैं, चारों तरफ जब देखते हैं कि ये तो गड़बड़ आदमी है, देखो ये इसका प्रमोशन हो रहा है, ये ठीक आदमी नहीं है, लेकिन हम शायद उन लोगों की तरफ नहीं देखते जो अच्छे भी हैं और उन जिनका प्रमोशन हो रहा है, जिनका समाज में वो ख्याति है, वो रिकग्निशन है, जो कि उस व्यक्ति की नहीं है जो गड़बड़ है। हम उस तरफ नहीं देखते। उसका बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि समाज में हम लोगों को मसाला ज्यादा पसंद है, इसलिए हम निगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं। अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो उन लोगों का भी बहुत रिकग्निशन है जो कि जिनका आचरण एथिकल है, जो सही बात करते हैं, सही बात बोलते हैं, जो सही समझते हैं वो करते हैं। अगर हम उनको और नहीं देखेंगे और हम दोषारोपित सिर्फ अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस हैं, उनको दोषारोपित करेंगे तो शायद हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लखनऊ में ही मैंने एक ये गालिब जी का शेर सुना था, उम्र भर यही भूल करता है गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना मलता रहा। तो अगर आप परिस्थितियों को ही अगर दोषारोपित करते रहेंगे तो शायद आप अपने आप में सुधार नहीं कर सकेंगे। उसका कारण है बड़ा सिंपल। देखिए, चाहे हम जितना महसूस करें, मैं तो आईएएस में था, 38-37 साल आईएएस में रहा, हम चाहे महसूस करें कि हम दूसरे को ये कर देंगे, दूसरे का वो कर देंगे, सत्यता ये है कि आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव सबसे यही रहता है कि अपने पे विचार कीजिए, आप क्या कर सकते हैं उस पे विचार कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है उस पे तो ना आपका नियंत्रण है ना आप कुछ कर सकते, तो उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। चर्चा आप ये कीजिए आप क्या कर सकते हैं, और उसकी प्रेरणा आपको उन लोगों से मिलेगी जो कि अपने ऊपर विचार करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए हैं, वो आपको प्रेरित कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे उन लोगों की तरफ जो गड़बड़ कर रहे हैं तो कभी आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी तो आप कभी सही काम नहीं करेंगे। लेकिन आप उन लोगों को देखेंगे जो कि सही काम करके सफल हुए तो आप उनसे प्रेरित हो सकेंगे। पुस्तक के अंत में, एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट के अंत में मैंने लिखा है, खुद ही को कर बोले नितना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से कुछ पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी कि व्यक्ति को, आपको अपने आप को इतना बुलंद बनाना है कि यू आर रेकन्ड विद, यानी कि आप एक रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ शिक्षक के रूप में इससे बड़ा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। हेलो, आपने भेजे हैं क्या कुछ प्रश्न? मैं देखता हूँ। मेरे पास एक प्रश्न आया है जिसमें कहा गया है, पॉलिसी सेज कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस विल बी डेवलप्ड, सम इनसाइट्स इनटू हाउ टू डू दिस। चूंकि नीति में इस बात पे बल दिया गया है
कि स्थानीय भाषाओं को प्रमोट किया जाए। इसलिए जितना भी व्यवस्था बनी है, जो करिकुलम है या जो लिटरेचर है, जो किताब पुस्तकाएं हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज में डेवलप किया जाएगा, यानी कि SCERT की विशेष भूमिका होगी। यूपी में शायद उतनी समस्या नहीं आए क्योंकि अधिकतर किताबें हिंदी में उपलब्ध हैं और इस वजह से उतनी समस्या नहीं आएगी। आप अगर किसी अन्य देश का उदाहरण लें, चाहे वो चाइना के लें, चाहे वो ब्राजील के लें, वहां जो इवन साइंस की जो पुस्तकें हैं उनका ट्रांसलेशन स्थानीय भाषाओं में किया गया है। ये कार्य शायद इंडिया में उतना नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी विज्ञान की पुस्तकें वो अंग्रेजी में ही उपलब्ध होती हैं। बहुत कम ऐसा है जो कि रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी में तो बहुत उपलब्ध हो रही हैं लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं है। ये कार्य अब आरंभ किया जाएगा क्योंकि बात वही है कि आपकी समझ, आपका बोध कौन सी भाषा में ज्यादा अच्छा होता है, उस भाषा में का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। इसमें व्यवहारिक कठिनाई ये आएगी कि ऐसे अनुवादकों को ढूंढना पड़ेगा जो कि सब्जेक्ट भी समझते हो और भाषा पे भी जिनका जो है अच्छा पकड़ हो, वही व्यक्ति इसको कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न आया है, शिक्षकों में विश्वास करना होगा, आपने बताया, टीचर ऑटोनॉमी का क्या उपाय किए जाने चाहिए? जो नीति है वो इस बात पे बल देती है कि शिक्षक को वो पोजीशन दी जाए समाज में जो कि उसके लिए उपयुक्त है, यानी कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसके तहत शायद टीचर की जो जो रिकग्निशन है जितना होना चाहिए वो नहीं है। नीति ये भी कहती है कि शिक्षक से वो कार्य नहीं कराया जाएगा जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं होगा। ये बात राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी कही गई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कार्य कराया जा रहा है शिक्षकों से अन्य कार्य। ये आशा की जा सकती है कि चूंकि केंद्र सरकार ने पुनः इस बात को बल दिया है, आने वाले दिवसों में कदाचित शिक्षकों से उतना ही कार्य कराया जाएगा जो उससे संबंधित होगा। और शिक्षक की ऑटोनॉमी की जो बात है वो ये है कि कैसे पढ़ाया जाए, ये बात शिक्षक पे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हर क्षेत्र में पढ़ाने का तरीका भिन्न हो सकता है। मैं आपको व्यक्तिगत अपना अनुभव दूं, जब शिक्षा सचिव का मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो मैंने पूरे देश का भ्रमण किया, करीब 24 राज्यों में मैं गया और इंटीरियर एरिया में गया, बस्तर, सुकमा। तो मुझे स्मरण है कि जब मैं पुणे से गोवा जा रहा था, बड़ी लंबी जर्नी है, 2 दिन लगे, उसमें रास्ते में उतर के जब मैं स्कूलों में देख रहा तो मैंने वहां पाया कि लोकल शिक्षक जो था अपने तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा था। मुझे याद है एक दृष्टांत कि करीब 8-10 बच्चे बालू का एक एक डब्बे में बालू रखी थी, उसके चारों तरफ खड़े थे। तो एक बच्चा बोलता था, कोई छोटे छोटे बच्चे थे, कि ये वाला शब्द लिखो, तो वो बच्चा बालू पे वो शब्द लिखता था और फिर बाकी बच्चे अगर सही लिखता था तो ताली बजाते थे। तो ये अपना तरीका है पढ़ाने का, मैं नहीं कह रहा हूं वही तरीका होना चाहिए हर जगह, लेकिन जो लर्निंग है वो हर जगह की भिन्न माध्यम हो सकता है लर्निंग का। ये ब्रॉड पैरामीटर्स तो डिफाइन हो सकते हैं लेकिन शिक्षक को स्थानीय स्तर पर वो कौन सा उचित तरीका है पढ़ाने का, ये शिक्षक को पे छोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, इसका विचार जब डिटेल प्लान बनेगा तब उसमें ये सम्मिलित होकर आएगा। मैं जितने जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें मैं सब ज्यादातर ये देख रहा हूं कि लोग ये बता रहे हैं कि वो कौन है। मेरा अनुरोध आप सबसे होगा, चूंकि एक मौका है, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो अपने कमेंट्स में अवश्य डालिए और इसको देखकर मैं प्रयास करूंगा प्रश्न का उत्तर देने का। मेरे पास ये 2 प्रश्न आए थे और इनका मैंने कोशिश की है जवाब देने की। आपके और कोई प्रश्न हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें, और मैं कमेंट्स को देख रहा हूं आपके, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स में गुड मॉर्निंग सर आ रहा है और कौन है आप अपना परिचय दे रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपके कोई संशय, कोई आपके मन में डाउट हो तो वो बताएं। हेलो 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 हेलो, हाँ जी,
हाँ जी बताइए। ओके, मैं इसका जवाब देता हूँ। ये एक प्रश्न मुझसे पूछा गया है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर सब सब उसी पर निर्भर करेगा, तो जो प्रतिस्पर्धा होती है बच्चों में उस पे प्रभाव पड़ जाएगा, और लोग जो एग्जामिनेशन होंगे उन पे ज्यादा उसको वैल्यू नहीं करेंगे। इस पे दो दो स्तर पे आपको इसको समझना पड़ेगा। पहली, प्रतिस्पर्धा। मेरा ये मानना है कि अगर प्रतिस्पर्धा करनी है किसी बच्चे को, और मैं चाहूंगा आप सबके माध्यम से ये बात को पहुंचाना कि प्रतिस्पर्धा जो होगी वो अपने आप से होगी, दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, अलग है। दूसरे से आपको सीखना है। ये एक व्यवस्था में हमारी समस्या है कि हम दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, जब हम दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो हम उससे सीख नहीं पाएंगे। वो अपना छुपा के रखेगा, आपको क्यों सिखाएगा, क्योंकि आप उससे कॉम्पीट कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, प्रतिस्पर्धा अगर आपको करनी है तो अपने आप से कीजिए, अपने पड़ोसी से मत कीजिए प्रतिस्पर्धा। उसकी व्यवस्था अलग है, और यही प्रतिस्पर्धा की जो मानसिकता है वो बाद में परेशान करती है कि पड़ोसी के बाद ये गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उससे हीन भावना जागृत होती है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए, और तभी आप बच्चे को भी सिखा सकेंगे कि दूसरे से आप कंपेयर ना कीजिए। अगर आपको कंपेयर करना है, प्रतिस्पर्धा करनी, तो अपने आप से कीजिए, आप कहां पर स्थित थे और उसमें आप कैसे सुधर के और अच्छे हो गए। और इस अच्छे होने में यदि आप अपने पड़ोसी की, अपने मित्र की, अपने जिससे आप अभी तक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उसकी सहायता लेकर अपने आप को कैसे सुधारें, तो आप अपने आप को सुधारिए, दूसरे से कॉम्पीट मत कीजिए। नंबर एक। नंबर दो, जो जो भी परीक्षा होती है वो परीक्षा आपको अपने अंकन के लिए होती है, ये समझना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए नहीं होती। आप अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मैं कहां पे खड़ा। आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था अलग है और होनी भी चाहिए। हम यहां ये जानकारी इन परीक्षाओं के माध्यम से करते हैं कि मैं किस स्तर पर खड़ा हूं, और उसमें मेरे स्तर पे जहां पे मैं खड़ा हूं, इसमें मैं किस प्रकार से सुधार करूं। आगे बढ़ने के लिए नहीं है। आगे बढ़ने के लिए तो फिर एंट्रेंस टेस्ट है। आप सिविल सर्विस में आते हैं, जैसे अभी सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ, उसमें आपकी बीए में फर्स्ट आई, एमए में फर्स्ट आई, से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप एग्जाम देते हैं, सर्विस में आते हैं। इसी तरह जब आप बीएमए का एग्जाम देते हैं, तो अपनी खुशी के लिए आप देखते हैं आपको कितने नंबर मिले। तो ये आपके लिए है, कंपटीशन के लिए नहीं है। कंपटीशन के लिए व्यवस्था है। और कोई प्रश्न? मैं देख रहा हूं कमेंट्स में बहुत प्रश्न नहीं आ रहे हैं। एक ने लिखा है सर अबाउट नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, आपने सही बताया। एक मैंने पुस्तक जो अभी लिखी है, एथिकल डिलेमास ऑफ ए सिविल सर्वेंट, इसके पहले एक पुस्तक लिखी थी नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, जिसमें भी प्रमुख रूप से मैंने यही बात कही है कि एक शासकीय सेवक के सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि शासकीय सेवक प्रतिबद्ध हो तो वो सफल हो सकता है। प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन आप क्या एथिकल हैं। दोनों पुस्तकों में इस प्रकार की मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं और प्रश्न का आपका इंतजार कर रहा हूं, अगर किसी का आता है कमेंट्स में, मैं कमेंट्स की तरफ देख रहा हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हो, मुझे मालूम नहीं, आप लोगों की व्यवस्था यह है कि आप सब अपने इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप कौन हैं, कहां से हैं। कमेंट्स में ज्यादातर मैं देख रहा हूं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप ओझा से हैं, और मैडम निधि मिश्रा नई शिक्षा नीति में कुछ कहा, इन्होंने पीछे निकल गया। आई एम श्वेता गोस्वामी। ओके, बट अच्छी बात यह है कि आप सब लोग ऑनलाइन हैं और आपसे चर्चा हो पा रही है, और इसके माध्यम से आप तक बहुत सारी बातें शायद पहुंचाई जा सकती हैं, और एक बहुत अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की कि आप चर्चा कर सकें, आपस में एक दूसरे बात करें। एक आध सुझाव मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा, और सुझाव इस माध्यम से है कि जब मैंने देश का भ्रमण किया,
तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा कार्य कई जगहों पर किया जा रहा है। जी मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। तो जो जब आप जब मैंने देखा, पूरे देश का भ्रमण किया, तो ये पाया कि बहुत अच्छा कार्य कई जगह पर हो रहा है, लेकिन उस कार्य की चर्चा नहीं होती, उस कार्य का बारे में लोग बात नहीं करते। और इसमें समय चुकी है मेरे पास, एक आपको दृष्टांत देना चाहूंगा। मैं एक जगह पर गया जिसका नाम था पस्तेपाड़ा, ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में है, ट्राइबल एरिया में है, और मुझे बताया गया था इस स्कूल में बिजली नहीं है। तो जब मैं स्कूल में घुसा अंदर, तो मैंने देखा एक छोटा सा दो कमरों का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल। कमरे में घुसा तो मैंने देखा हर बच्चे के पास एक टैबलेट था, हर बच्चे के पास एक टैबलेट था। तो जो वहां टीचर था, संदीप गुंड है उसका नाम, मैंने उससे पूछा, भाई ये बिजली कहां से लाते हो तुम टैबलेट के लिए? तो मुझे स्कूल के पीछे ले गया और वहां पे उसने मुझे दिखाया कि सोलर पैनल उसने फोल्डेबल था, उसके माध्यम से बैटरी चार्ज करता था और बैटरी से वो टैबलेट चार्ज करता था। तो मेरा दूसरा प्रश्न उससे रहा कि ये भाई टैबलेट के पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? तो उसने कहा जब मैं स्कूल में आया था, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, कई लोग इससे प्रेरित हो सकते हैं, जब मैं स्कूल में आया था तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड लैपटॉप था, और यहाँ 40-50 बच्चे थे, हर उम्र के थे, कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। तो मैं क्या करता था कि इन लैपटॉप पर एजुकेशनल वीडियो चलाता था, तो बच्चों चारों तरफ बैठ जाते थे और देखते थे मैं क्या कर रहा, मैं क्या चला रहा हूं। करीब 2 महीने बाद 20 उनके माता पिता आए स्कूल में, और उन्होंने संदीप गुंड से पूछा, भाई पहले हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, भागते स्कूल की तरफ, आपने क्या किया? तो उसने समझाया उन लोगों को कि क्या किया उन्होंने। तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चे काफी कुछ सीखने लगे थे। जब उसने देखा कि ये इनके माता पिता काफी प्रेरित हैं इससे, तो उन्होंने कहा, संदीप गुंड ने उनसे कहा कि क्या आप लोग 500-500 रुपए दे सकते हैं? वो लोग गरीब लोग थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने दे दिए। संदीप गुंड ने कहा कि मैं 2 टैबलेट और लाना चाहता हूं। तो उन्होंने जब पैसे दे दिए, 2 टैबलेट लाया उसने अपने लैपटॉप से जोड़ दिए, उनका 3 ग्रुप बना के, और वो वीडियो चलाता रहा। ये बात संदीप गुंड की, ये भी आप ही जैसा एक शिक्षक था, संदीप गुंड की जो पैशन था वो लोगों को बारे में जानकारी मिली। तो वहां पर एक CSR फंडिंग एजेंसी और एक NGO वहां पहुंचे, उन्होंने देखा, संदीप गुंड से बात की, तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि हम 50-40 आपको टैबलेट दे देते हैं और एक स्मार्ट स्क्रीन दे देते हैं। और वो फिर उसने टैबलेट लगाए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस बीच में स्कूल में पहुंचा तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, मैंने संदीप गुंड के साथ एक फोटो ली और उसको ट्वीट किया। आप लोग भी, कई लोग ट्विटर पर होंगे, मालूम नहीं कितना इस्तेमाल करते हैं, ट्वीट किया, सडनली संदीप गुंड लोकल हीरो बन गया। तो आसपास के स्कूल के मास्टर उसके स्कूल में आके देखने लगे इसने क्या किया, और वो भी अपने तरीके से थोड़ा बहुत करने लगे। इस बीच में राष्ट्रपति जी से मिला, भारत के राष्ट्रपति जी से किसी अन्य संदर्भ में मिला, चर्चा के दौरान मैंने संदीप गुंड का किस्सा उनको सुनाया, तो वो भी बड़े प्रभावित हुए। तो मैंने उनसे पूछा, आप उससे मिलना चाहेंगे, संदीप गुंड से? बोले हाँ बिल्कुल मिलेंगे। तो मैंने संदीप गुंड को दिल्ली बुलाया और संदीप गुंड की मुलाकात हुई राष्ट्रपति जी से, और उनकी एक फोटो खींची गई, उसको ट्वीट किया, सडनली संदीप गुंड नेशनल हीरो बन गए, उनको नेशनल अवार्ड भी मिला। अब स्टोरी का अंत यहां नहीं होता, कहानी का अंत यहां नहीं है। संदीप गुंड ने जो पस्तेपाड़ा में किया, वो अगले 2 वर्षों में, मुझे अभी जानकारी दी गई है कि 50,000 से ज्यादा स्कूलों में वही व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी कि डिजिटल लिटरेसी का काम वहां पे शुरू हुआ डिजिटल माध्यम से। तो ये आप कर सकते हैं, आप सब में कुछ ना कुछ नया कर दिखाने की है। मेरे पास प्रश्न है, प्लीज सर टेल अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन रेफरेंस टू टीचर रिक्रूटमेंट। उसमें कहा गया है, बहुत विस्तार से तो चर्चा नहीं है, उसमें कहा गया कि वर्तमान में जो टीचर एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको परिष्कृत किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। मेरा सुझाव शिक्षा सचिव के रूप में यह था कि शिक्षक का रिक्रूटमेंट सेंट्रल होना चाहिए, जिससे उसको कोई प्रभावित ना कर सके। मेरा व्यक्तिगत मत यह था कि रिक्रूटमेंट सेंट्रल होना चाहिए, पोस्टिंग लोकल होना चाहिए। अभी क्या है कि रिक्रूटमेंट जो है डिसेंट्रलाइज होता है, तो उससे वो प्रभावित हो जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन ये मंशा बड़ी स्पष्ट है पॉलिसी में कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट में सुधार लाया जाए। एक प्रश्न मेरे सामने आ रहा है, 70% शिक्षा निजीकरण के हाथ में, लेकिन उनके बारे में, निजी शिक्षा के बारे में मेरा थोड़ा सा भिन्न है मत, क्योंकि शिक्षा नीति में निजी शिक्षा को थोड़ा दर किनारे किया गया है। मेरा यह मानना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आवश्यक है, हमें साथ मिलकर एक दूसरे से सीख के काम करना है।
सब पब्लिक में अच्छा नहीं है, सब प्राइवेट में अच्छा नहीं है, सब पब्लिक में खराब नहीं है, सब प्राइवेट में खराब नहीं है। होना ये चाहिए कि पब्लिक और प्राइवेट में दोनों स्तरों पर जो अच्छा कार्य हो रहा है उसको एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया था कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सके। एनजीओ का बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। मैंने यूपी में काम किया है तो ये मैं मानता हूं कि कई एनजीओ ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा करना उचित नहीं होगी, लेकिन कई ऐसे एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिनके माध्यम से शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार लाया जा सकता है। नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है? काफी अंतर है। पुरानी शिक्षा नीति 1984 की है और अब काफी तकनीक टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। जब लास्ट नीति बनी थी उस समय तो बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा था, अब कम से कम ज्यादातर बच्चे स्कूल में पहुंच रहे हैं। उस समय तो विशेष बल इस बात पे था कि बच्चों को स्कूल कैसे लाया जाए। आज की तारीख में बच्चा स्कूल तो आ जा रहा है, बाय एंड लार्ज आ जा रहा है। उसमें भी सुधार हो सकता है, लेकिन तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब 90% से ज्यादा बच्चा स्कूल आ जाता है। कठिनाई दूसरी आ गई है कि वो आके फिर चला जाता है, कैसे हम उसको रिटेन करें स्कूल में वो इस बात पे निर्भर करता है। और पॉलिसी भी ये कहती है कि हम क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को कैसे सुधारें जिससे हम बच्चे को रख सकें स्कूल में, ये आ रही है बात। चिल्ड्रन को बाइलिंगुअल लैंग्वेज से कनेक्ट करना सही है या गलत? देखिए, इस नीति में स्पष्ट कहा गया है कि पहले 5 वर्ष में उसको अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद वो उसके निर्भर करता है कि किस भाषा में वो पढ़ना चाहे। लेकिन ये नीति ये नहीं कहती कि और भाषा नहीं पढ़ेगा। देखिए, जो भाषा एक मीडियम होना अलग बात है और भाषा को पढ़ना अलग बात है। भाषा तो निश्चित रूप से और पढ़नी होंगी उसको, पढ़ेगा वो, लेकिन किस माध्यम से उसको अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए ये था बिंदु चर्चा का। लोकल हीरोज को नेशनल हीरो बनाने वाली बात बिल्कुल सही, बिल्कुल। देखिए, आप लोगों में से मैं चूंकि आप सबसे चर्चा कर रहा हूं, आप लोग काम कर रहे हैं धरातल पर, मेरा आपसे अनुरोध यह है, एक व्यवस्था, एक हमने पोर्टल बनाया है, नेक्सस ऑफ गुड करके पोर्टल है। आप कहीं गूगल पे टाइप करेंगे नेक्सस ऑफ गुड, उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, NEXUSOFGOOD। उस पोर्टल पर जाइए तो आप कई ऐसी स्टोरीज देखेंगे और देखेंगे कि कितना अच्छा लोगों ने काम किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध यह है कि आप नेक्सस और गुड कुछ से जुड़े और आपके आसपास अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो बड़ा आसान है, स्टोरी लिखकर उस पोर्टल पे डालें जिससे ना केवल उसकी चर्चा हो सके, अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हो सके। कई लोग लाभान्वित हो सकेंगे, क्योंकि सामान्य धारणा ये रहती है कि अच्छा काम हो ही नहीं सकता। अगर आप बताएंगे कि अच्छा काम हो रहा है तो लोगों में विश्वास जगेगा कि अच्छा काम चूंकि हो रहा है इसलिए हो सकता है, और अन्य भी प्रेरित होंगे अच्छा काम करने के लिए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपको कभी भी मौका लगे तो आप नेक्सस ऑफ गुड के पोर्टल पर जाइए, वहां देखिए किस प्रकार की स्टोरी है। आपको किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर खुद उसको डालना है, मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं शिक्षा सचिव रहा हूं यहां पर और मैंने देखा यूपी में कई शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम मुक्त कंठ से बुराई करते हैं, मुक्त कंठ से तारीफ क्यों नहीं करते? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहीं भी अच्छा काम देखिए उसकी खूब तारीफ कीजिए, मुक्त कंठ से तारीफ कीजिए, जिससे ना केवल आपको अच्छा लगे आसपास के लोगों को भी अच्छा लगे। जितनी आप अच्छी चीजों की बारे में बात करेंगे उतना ही लोग प्रेरित होंगे अच्छा काम करने के लिए। मैंने नेक्सस गुड के बारे में जो लिखा है उसमें यही कहा है कि ऑल द रास्कल्स एंड रफियंस, यानी कि सब बदमाश लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते? ये एक प्रयास है नेक्सस गुट के माध्यम से कि अच्छे लोग भी आपस में बैठकर एक दूसरे को बल देते हुए अच्छाई को बढ़ा सके, ये उद्देश्य है उसका। एक तो ये आपका कमेंट थोड़ा जल्दी निकल रहा है तो मैं सब पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप, मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, इसको मैं प्रयास करता हूँ अगर पीछे के कमेंट्स ले सकूँ, ये आ जाएंगे, आई थिंक आ जाएंगे, रुकिए आ जाएंगे। कमेंट्स मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सब, इससे पहले मैं पढ़ूँ निकल जाता है। आपके और कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें और कमेंट्स में भी डालें तो मैं देखता हूं। सर, डीएलएड थर्ड के प्रमोशन के बारे में कुछ बताएं, थर्ड
थर्ड ईयर के, ये मेरे को स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस बार फर्स्ट ईयर को डीएलएड को प्रमोट किया जैसे बीए। ओके, ये आपका स्थानीय स्तर का इशू है कि प्रमोट उन्होंने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? ओके, ये आ रहे हैं। एक प्रश्न आया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। सर, आज के समय में गांव में अभिभावक बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभिभावक क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर ना आपका नियंत्रण है ना मेरा नियंत्रण, किसी का नियंत्रण है? आप तो वही सिर्फ कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। कभी मौका लगे अभिभावक से चर्चा हो तो आप बताएं कि आप जो ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पर, उस पर बच्चों पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा। हो सकता है वो सुधर जाए, लेकिन इस पे मैंने कहा आपका कोई नियंत्रण नहीं। आप तो सिर्फ ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, और किसी पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप अपना अच्छा कीजिए। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि आपको इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। उसका प्रमुख कारण यह है कि आप उसका ना बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न अलका मिश्रा जी ने किया है। नई शिक्षा नीति आने के बाद क्या अब अध्यापक बनना कठिन होगा? इसके लिए आईएएस लेवल की तैयारी करनी होगी। देखिए, किसी भी परीक्षा में तैयारी तो करनी होगी, चाहे अध्यापक के लिए हो चाहे आईएएस के लिए। लेवल कुछ नहीं होता, आप जिसको लेवल मान ले वो आपका लेवल है, लेकिन बिना मेहनत के तो ना आप शिक्षक बन सकते हैं ना आप आईएएस बन सकते हैं। दोनों के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। किसमें ज्यादा करनी पड़ेगी कम पड़ेगी, मैंने कभी शिक्षक बनने की तैयारी नहीं की या मैंने जहमत नहीं की, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि अब सेवा काल समाप्त होने के उपरांत अब मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ अपनी तैयारी करनी पड़ती है। कोई एग्जाम, फॉर्चुनेटली अभी भी मुझे कभी कभी रात को डरावने सपने आते हैं इम्तिहान देने के, लेकिन अब मुझे शायद एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आरटी एक्सटेंडेड 3 to 18 ईयर एज ग्रुप। देखिए, ये लोग, मैं फिर बताना चाहूंगा कि बच्चे को प्रयास होगा कि वो 3 साल का जैसे ही हो उसको हम किसी माध्यम से पढ़ाना, शब्द शायद ठीक नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि वो जो ज्ञान उसको दिया जाएगा उसका माध्यम भिन्न होगा। तभी मैंने शुरू में भी कहा था जिस तरीके की टीचर की आवश्यकता वहां होगी वो सामान्य प्रकार के टीचर नहीं होंगे कि जो आपको क्लास में पढ़ाना है। ये अलग प्रकार से ये टीचर की पद्धति भी होगी और माध्यम भी होगा। डीएलएड में नई शिक्षा नीति में क्या चेंजेस किए गए हैं? देखिए, डीएलएड और बीएड को धीरे धीरे करके 2030 तक मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया जाएगा। इसका कारण यह है कि कक्षा 12 के बाद यह अपेक्षा की जाएगी कि बच्चा निर्धारित कर ले कि वो शिक्षक बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता। अभी तो ये वो बीए करता है, एमए करता है, उसके बाद वो डीएलएड या बीएड कर देता है, वो बाद में निर्धारित करता है कि उसको शिक्षक बनना। अब कक्षा 12 के बाद ही उसको निर्धारित कर लेना होगा कि अगर वो शिक्षक बनना चाहता है, क्योंकि 4 साल का कोर्स होगा, तो निर्धारित करके उस वाली में जाएगा, उस श्रेणी में जाएगा। नहीं, मुझे अच्छा ये लग रहा है कि इतने लोग इसमें भाग ले रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं, लेकिन कमेंट्स में सिर्फ गुड मॉर्निंग सर ही दे रहे हैं आप और बता रहे हैं कहां से। सर, बाय ऑनलाइन क्लासेस सोशल स्किल्स ऑफ ए चाइल्ड आर लैगिंग। बिल्कुल, कंचन नेगी जी ने यहाँ टिप्पणी की है और बिल्कुल सही की है कि सोशल स्किल्स में तो आएगी, इसमें सोशल फिजिकल दोनों में आएगी, लेकिन विकल्प क्या है कंचन जी? विकल्प और कोई तो है नहीं आज की तारीख में, आप उसको कैसे सोशलाइज कर सकते हैं? देखिए, आप उतना ही कर सकते हैं जितना कर सकते हैं, आपको उसी से संतोष लेना होगा कि इन सीमाओं पर रहते हुए जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उसके सोशल वैल्यू सिस्टम, सोशल एंगेजमेंट तो समाप्त हो ही जाएगा इससे। सर, क्या नई नई चीजें आने पर आईएएस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी? ये तो मैंने बता दिया इसका उत्तर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पॉलिटिशियन के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो हमारे टाइम पे हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में, ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की गुणवत्ता थी। तो अब हमें गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी और वापस वहां पे जो गवर्नमेंट स्कूल इलाहाबाद का था
वहां पे जो लोग निकलते थे, मेरे कई साथी आए इसके गवर्नमेंट स्कूल इलाहाबाद से, तो गवर्नमेंट स्कूल बड़ा अच्छा करते थे। ओवर अ पीरियड टाइम थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, मुझे आशा है इस नीति के माध्यम से उसमें सुधार आ सकेगा और वापस लोग उसको महत्वपूर्ण समझ सकेंगे और उसमें जाएंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग अभी भी अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लीज एक्सप्लेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैंने शायद आप निशा जी आप थी नहीं, मैंने काफी इस पे व्याख्यान दिया है, टीचर इज अ सर्वेंट और मास्टर इन योर व्यूज। देखिए हम सब सेवक हैं, कोई मास्टर नहीं है। जिसने अपने आप को मास्टर समझ लिया वहां समस्या आ जाएगी। हर जना सेवा कर रहा है, हम पब्लिक की है, सिविल सर्वेंट, आप उस स्टूडेंट की सेवा कर रहे हैं, मास्टर नहीं है। कहते हैं मास्टर क्योंकि अंग्रेज छोड़ गए, शब्द मास्टर हिंदी में या हमारे समाज में नहीं था, ये अंग्रेजें छोड़ गए। तो सब सर्वेंट है, वी सब सेवक है, हम सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करता है वो सेवक है। आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा करते थे। हम लोग कई लोग मानते नहीं अपने आप को सेवक, लेकिन वास्तविकता में हम सब सेवक है। मैं पढ़ रहा हूं आप सब लोग के कमेंट्स, लेकिन क्या एक नेगेटिव मार्किंग को जाएगा न्यू पॉलिसी एजुकेशन में? सर मैं नहीं समझता नेगेटिव मार्केट आई मार्क मार्क मार्किंग होगी। मुझे कहीं पॉलिसी में दिखा भी नहीं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। सर टीचर भर्ती में इंटरव्यू करने से अब भ्रष्टाचार नहीं होगा इस बारे में? देखिए ये पवन कुमार जी या किसी ने प्रश्न किया है कि इंटरव्यू करने से भ्रष्टाचार तो नहीं आएगा। प्रश्न ये करता है कि इंटरव्यू करने की व्यवस्था कौन बना रहा है, कहां बना रहा है। अगर व्यवस्था ठीक बन जाए, जैसे आईएएस में इंटरव्यू तो होता है ना, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है, किसी की हिम्मत नहीं है वहां कोई सिफारिश कर सके, कोई सिफारिश नहीं होती। व्यवस्था कैसी बनाई जाए इस पे महत्वपूर्ण करेगा। भ्रष्टाचार तब होता है व्यवस्था ठीक नहीं बनाते। प्लीज बताएं आप किस बैच के हैं? मयंक यादव जी पूछ रहे हैं मेरा बैच, मैं वर्ष 1981 में आईएएस में था, उससे एक वर्ष पूर्व में पुलिस में था। अब फिर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सब वैभव जी रघुराज जी सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को। आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं, पूछें, क्योंकि मैं कमेंट्स देख रहा हूं, जो प्रश्न आता है प्रयास कर रहा हूं उनको बताने का। अभी भी ज्यादातर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं और प्रश्न अगर करेंगे तो मेरे लिए आसान होगा उन प्रश्न। हाँ एक प्रश्न आया है, फोर्स कृष्णा नहीं, लेकिन प्रश्न नहीं है ये भी। पहले इस कोर्स का नाम बीटीसी था, अब इसका नाम डीएलएड कर दिया गया है। मनीष राजपूत जी पूछ रहे हैं प्रश्न, ये तो नाम में मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी चेंज कर दिए नाम का, रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा, डीएलएड थ्रू रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा। ये शीला जी पूछ रही हैं, शीबा जी, डीएलएड के थ्रू ओवर ए पीरियड टाइम बंद हो जाएगा, अभी कुछ वर्ष चलेगा उसके उपरांत डीएलएड के थ्रू बंद होगा, क्योंकि एक ही कोर्स आएगा, एक ही कोर्स होगा। सर क्या निकल जाता है जब तक मैं पढ़ता हूँ? इसका थोड़ा दायरा बड़ा होना चाहिए। अभी भी ज्यादातर लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रश्न नहीं कर रहे। प्रश्न करें तो मैं आपका प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा, ज्यादातर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत लोग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग हो गया था, अब तो 12 बज गया। प्रश्न कोई हो सर, एग्जाम की कुछ बताएं। नहीं सेकेंड सेमेस्टर, सब अभी भी गुड मॉर्निंग और इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अगर कुछ प्रश्न करेंगे तो मैं उनका उत्तर दे सकूंगा। वो चेंज ही तो नहीं था, इंटर्नशिप जाने के पता चला कि हालत बहुत ही ज्यादा खराब है गवर्नमेंट स्कूल की। आपको पहले नहीं पता था हालत खराब है? ऑनलाइन इंटर्नशिप की पॉसिबिलिटी, इंटर्नशिप का मतलब तो आप कहीं काम करेंगे ऑनलाइन, तो सब क्या कॉन्वेंट स्कूल या प्राथमिक स्कूल सॉरी रखते हुए क्या पॉसिबिलिटी है? इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, इसकी बात नीति में नहीं कही गई है। पहले सोचा जा रहा था शायद इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात आए, लेकिन आई, और मैं नहीं समझता इंडियन एजुकेशन सर्विस आएगी क्योंकि नीति में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। मैं आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहा हूं, अगर आप लोगों के प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूं निरंतर। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन सिस्टम हिस्ट्री विल ऑल्सो बी चेंज्ड।
एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हिस्ट्री को परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे। इसका काम तो फिर एनसीईआरटी या एससीईआरटी करते हैं कि वो करिकुलम क्या होगा, आपका कोर्स क्या होगा, पॉलिसी नहीं करती इस बात को। अब इंट्रोडक्शन बंद करवाइए, नहीं तो क्वेश्चन छिप छिप जाते हैं। नहीं, ये प्रश्न नहीं समझना है मुझे आपका। ये अनुज यादव जी, क्या आप अपना प्रश्न फिर से पूछेंगे? आपने लिखा है सर प्लीज रिप्लाई, प्रश्न आपका मैं नहीं देख पाया। मैं लेडी टीचर्स के लिए कोई प्राविधान है? बच्चियों के शिक्षा के लिए तो है महत्वपूर्ण, बट लेडी टीचर्स का ऐसा सच कोई विस्तार से उसमें चर्चा नहीं है। ये सही कह रही हैं चांदनी जी आपकी, अर्बन एरियाज में भी प्राइमरी स्कूल की स्थिति खराब है, हम सबको मिलकर उसको ठीक करना पड़ेगा। आपने एक ने पूछा है कि आप शिक्षक भर्ती कैसे होंगे, मैं नाम मिस कर गया उनका। शिक्षक की भर्ती की प्रक्रिया अब नई तरीके से निर्धारित की जाएगी। कमला यादव जी फतेहपुर से आई हैं आप, मेरी ट्रेनिंग वाइस की वहीं से हुई थी फतेहपुर से, तब भी स्थिति खराब थी स्कूलों की काफी। नीति में ये प्रयास है कि बच्चे जो छोड़ दिए हैं उनको किसी तरीके से वापस लाया जाए, एक प्रश्न ये पूछा गया है। इसमें मेरा मेरा एक अतिरिक्त सुझाव था कि नीति में तो ये चर्चा की गई है कि शिक्षकों के माध्यम से इन बच्चों को वापस लाया जाएगा। मेरा ये मानना है शिक्षकों को इस कार्य में नहीं जोड़ना चाहिए, ये कार्य गैर सरकारी संस्थाओं को करना चाहिए। शिक्षकों को काम ये नहीं है कि घर घर जाकर बच्चे को समझाएं और स्कूल में लाएं। डीएलएड की परीक्षा के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा उसके बारे में। पेप्रो का गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो, उससे उनका नुकसान होगा। देखिए ये बात अगर आपने मेरी चर्चा सुनी हो तो मैंने ये भी बात बताने का प्रयास किया था कि गरीब बच्चों को कैसे हम पहुंच सकते हैं उन तक, क्योंकि उनके पास टेलीफोन नहीं है, उनके पास टेलीविजन भी नहीं होगा। तो ये एक जैसे कुछ जगह पर ये प्रयास किया गया है कि उनको लाउड स्पीकर के माध्यम से। हेलो, हाँ मैं देखता हूँ, देखता हूँ। हाँ, ये प्रश्न इन्होंने शैलजा सिंह जी ने किया है, इसमें इन्होंने पूछा है सर इन एनपी 2020 मेंशन्ड अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेनस्ट्रीम, प्लीज थ्रो सम लाइट। नीति ये कह रही है कि शिक्षकों के माध्यम से जो शिक्षा देते हैं, जो टीचर्स हैं, उनको इसमें लगाया जाएगा कि इन बच्चों को लाया जाए। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि हमें इन कारणों को जानना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल छोड़ के जाते क्यों, उसका प्रमुख कारण तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। यदि शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो टीचर सही टाइम पे पहुंचे, सही तरीके से पढ़ाए, तो काफी बच्चे शायद स्कूल आएंगे। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि कई स्कूल में टीचर्स को जिस समय आना चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, तो बच्चा फिर बार बार स्कूल जाके क्या करेगा। मिड डे मील के लिए जरूर चला जाता है लेकिन फिर जाना बंद कर देगा। दूसरा, जैसे बच्चियां हैं उनकी अपनी व्यक्तिगत हाइजीनिक समस्या होती हैं। अब चूंकि ज्यादातर स्कूल्स में और सब स्कूल्स में टॉयलेट्स बन गए हैं, हाइजीन की व्यवस्था हो सकेगी तो शायद वो वहां रह सकेंगी। इसी तरीके से कई जगह गरीबी एक कारण बन जाता है कि वो इस वजह से वो बच्चे को नहीं भेज पाते हैं। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए योजना बनानी पड़ेगी। खाली टीचर के घर पे जाने से वो बच्चे वापस नहीं आएंगे। और इसमें जैसा कि मैंने राजस्थान में देखा, बहुत अच्छा कार्य किया है राजस्थान में, काफी सही मात्रा में बच्चे वापस आए स्कूल में क्योंकि एनजीओ को उसको लगाया गया। मेरे विचार से एनजीओ में इसमें बड़ी भूमिका होगी। प्राइमरी स्कूल को ऑनलाइन, मैं ये अनु मिश्रा पूछ रही हैं कि प्राइमरी बच्चों को ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए। आज की तारीख में आप देखिए, कोई भी बच्चा, मेरे भी नाती पोते हैं, पोतियां हैं दो, वो फोन में उनको कोई समस्या नहीं है, ऑनलाइन आराम से समझती है क्या आ रहा।
आज की तारीख में मेरे आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं फोन को बच्चे। कक्षा 2 में पहुंचते पहुंचते बच्चा पूरा फोन चलाने लगता है, तो मैं नहीं समझता वो विशेष समस्या है। समस्या यह है कि आज की तारीख में जो बच्चा देख रहा है फोन पर, वो ना देखकर जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो देखे, यह है समस्या। देखिए, आपकी जो व्यक्तिगत समस्या है शायद वो मैं ना बता पाऊं कि आपका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। कुछ प्रश्न ऐसे आ रहे हैं उसका मैं तो शायद उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि और कोई प्रश्न नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर हम कार्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है। मैं और कोई प्रश्न नहीं देख रहा हूं, तो आप सब लोगों से फिर मैं इजाजत लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा मुझे। कुछ प्रश्नों का मैंने प्रयास किया उत्तर देने का। जाते जाते दो अनुरोध करूंगा मैं आपसे। पहला ये कि अगर आप संभव हो तो नेक्सस ऑफ गुड पोर्टल पर जरूर जाएं। मैं देख रहा हूं आप सब लोग इंटरनेट से वाकिफ हैं, पोर्टल पर जाकर देखें। अगर आपको पसंद आए तो उस मूवमेंट से जुड़ें और अच्छी बातों को रखें। और यदि आप पढ़ सकें एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, एक पुस्तक मैंने लिखी है, तो लिखिएगा। और मैं चाहूंगा आपके जो उसमें फीडबैक हो, जो आपकी राय हो, उसको मुझसे अवगत जरूर कराएं। मैं आपका आभारी हूं, प्रदेश सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे समय दिया कि मैं आपसे चर्चा कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।